स्वागत है दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बुखार में दिए जाने वाली दवाइयों के बारे में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब भी मौसम में बदलाव आता है, सीजन चेंज होते हैं, तो दो बीमारियाँ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। वो जो बीमारियाँ हैं बुखार तथा जुकाम। दोस्तों जुकाम तो फिर भी छोटी मोटी दवाइयाँ लेकर या घरेलू उपचार करके ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जनरली बुखार को ठीक करने के लिए कोई भी व्यक्ति घर पर ही पैरासिटामॉल की दवा ले लेता है, क्योंकि ये सभी को पता है कि बुखार को ठीक करने की जो मूल दवा है वह है पैरासिटामॉल, जो कि कैल्पॉल टैबलेट के नाम से, डोलो टैबलेट के नाम से या पैरासेप टैबलेट के नाम से जाना जाता है। यह सभी दवाइयाँ इस पैरासिटामॉल के ब्रांड के नाम हैं जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं। कई बार तो पैरासिटामॉल की दवा एक या दो खुराक लेने पर ही बुखार ठीक हो जाता है, और कई बार इस दवा को 3 या 4 दिन रेगुलर लेना पड़ता है। लेकिन समस्या तब होती है जब पैरासिटामॉल दवा को 3-4 दिन खाने के बाद भी बुखार ठीक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के द्वारा कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे कि बुखार को समय रहते ठीक किया जा सके। तो वह सपोर्टिव मेडिसिन क्या है, उसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक दिए जाते हैं तथा और कौन सी अलग दवाइयाँ दिए जाता है, आइए जानते हैं डिटेल में। तो अगर बुखार की बात किया जाए तो हमारे बॉडी का वह स्थिति है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट के ऊपर अर्थात ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को बुखार कहते हैं। सामान्यतः जैसा हमने जाना है कि बुखार को ठीक करने के लिए पैरासिटामॉल की दवा लिया जाता है। एडल्ट में 500 mg पैरासिटामॉल एक सुबह एक शाम को लेने के बाद बुखार में अच्छा फायदा होता है। अगर इसे फायदा नहीं होता है तो पैरासिटामॉल को दिन में 3 बार दिया जाता है, और इससे भी फायदा नहीं होता है तो पैरासिटामॉल को एक दिन में 4 बार तक दिया जा सकता है। अब बात आती है कि पैरासिटामॉल 500 mg की दवा दिन में 4 बार दिया जाता है और फिर भी फायदा नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में 650 mg की पैरासिटामॉल की दवा, जो कि डोलो 650 के नाम से आता है, इस दवा को भी दिन में 4 बार तक दिया जा सकता है, क्योंकि इस दवा अर्थात पैरासिटामॉल का जो मैक्सिमम डोज होता है 2600 मिलीग्राम पर डे होता है। इसी कारण से डोलो 650 mg की दवा भी दिन में 4 बार तक दी जा सकती है। साथ ही कुछ जांच भी करते हैं, जैसे CBC अर्थात कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच, MP अर्थात मलेरियल पैरासाइट की जांच, डेंगू की जांच, और किसी किसी को लंबे समय से बुखार आ रहा है तो उसमें बिडाल की जाँच भी कराई जाती है, जिसमें कि वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलती है। लेकिन अगर ये सभी जांच निगेटिव आते हैं तो उस केस में कौन सी दवा को चलाया जाए, तो उसे हम जान लेते हैं। पैरासिटामॉल को तो मुख्य रूप से दी जाती है, उसके साथ में सपोर्टिंग मेडिसिन एंटीबायोटिक भी दी जाती है, जिसमें 2 मुख्य एंटीबायोटिक हैं जो हर समय हर केस में यूज किया जाता है। तो वह एंटीबायोटिक दवा है सेफिक्सिम तथा ओफ्लॉक्सासिन। इन 2 एंटीबायोटिक में से किसी एक मेडिसिन को दिया जाता है, और अगर एक से नहीं ठीक होता है तो इसके कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, उन्हें दिया जाता है। और इसके साथ ORS जो कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है, यह भी प्रतिदिन 1 पाउच पीने की सलाह दिया जाता है, जिस कारण से बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तथा बॉडी में कमजोरी है तो उसे भी क्योर किया जा सके। इसको कैसे यूज किया जाए यह भी हम जान लेते हैं। तो पैरासिटामॉल के बारे में तो आप जान चुके होंगे, अब यहाँ पर जानते हैं जो एंटीबायोटिक्स है उनके बारे में। तो सेफिक्सिम मेडिसिन जो है यह एडल्ट में 200 mg एक सुबह तथा एक शाम को दिया जाता है, या अगर ओफ्लॉक्सासिन दिया जा रहा है तो इस मेडिसिन को भी 200 mg एक सुबह तथा एक शाम को दिया जाता है। इस दवा को लगातार 5 दिन तक दिया जाता है, 5 दिन देने के बाद अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। साथ ही ORS के 1 पाउच को भी रोज दिया जाता है, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको भी बुखार आ रहा है तो उसको भी सेफिक्सिम मेडिसिन को सेफ माना गया है। और अगर अर्ली प्रेग्नेंट है, 1 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो कोशिश करें कि हम कम से कम मेडिसिन का यूज करें। अगर पैरासिटामॉल भी देते हैं तो आधा ही दें, जिससे कि ज़्यादा समस्या न हो। फिर भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क कर लेनी चाहिए।